हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में खेल के मैदान में पिछले कई वर्षों से वहाँ का तथाकथित प्रबंधक सैम और अपराधी है। वफा हलीम चौकी इंचार्ज की मदद से बकरा मंडी लगवाता है और मनमाने ढंग से पर्ची काटकर व्यापारियों से और जो लोग बकरा ख़रीदने के लिए जाते हैं उनसे वसूली करता है। इसी को लेकर आज MIM के नूर आलम तथा हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज छात्र संघ के पूर्व महामंत्री द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो तथाकथित प्रबंधक मोहम्मद सैम के द्वारा इन लोगों पर हमला किया गया। पूरा मामला हलीम कॉलेज चौकी आफ्ताब के सामने हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। आफ्ताब ने वसूली को जायज़ बताते हुए कहा कि कॉलेज के प्रबंधक का मामला है। सवाल इस बात का है कि हलीम कॉलेज क्रीड़ा मैदान में सवाल इस बात का है कि हलीम कॉलेज क्रीड़ा मैदान में बच्चों को खेल संबंधित रखकर कब तक शादी विवाह और बकरे बेचने का काम किया जाएगा। लगता तो ये है कि क्षेत्र के लोग सो गए हैं और सैम जैसे अपराधी आगे आ गए हैं। हलीम इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर कई मुकदमे हैं, जिसमें से दो मुकदमों में चार्जशीट भी लग चुकी है। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है या नहीं। बच्चों के खेल मैदान में खेल होगा या वैसे ही शादी और बकरों की मंडी लगती रहेगी। जो भी लोग बकरा ले कर आ रहे हैं या पड़वा ले कर निकलते हैं उनसे एक बार की वसूली करनी जानी चाहिए। भाई जो व्यापारी आता है उनसे एक बार जब वसूली कर ली जाती है दोबारा वसूली का कोई तुक नहीं बनता है। इधर से हर व्यक्ति से वसूली करना और जबरन वसूली करना कि इसमें आपको पैसा देना, किसी से 100 रुपये वसूल लिए जाते हैं, किसी से 200 रुपये भी ले लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित नहीं है, वहाँ पर रसीदें नाम काट के दी जा रही हैं। वफा अब्बास सैम साहब और सैफ साहब इन लोगों के जो हैं, इन लोगों की जो है सरपरस्ती में, इनकी जो है निगरानी में सारा काम हो रहा है, जो कि इन लोग खुद मैनेजमेंट में होने के बाद भी अपने ही नाम से ठेके ले रहे हैं। अगर ठेका देना है तो उसका टेंडर जो है ओपन होना चाहिए। ओपन टेंडर ना होकर आपसी में टेंडर ले लिया जाता है, उसके बाद उसको जो है खुद ही संचालित करा दिया जाता है और लाखों रुपए की वसूली जबरन हो रही है यहाँ पे। इसके विरोध में हलीम कॉलेज पूर्व छात्र संघ पूरी तरीके से मुस्तैद है। कानपुर MIM की टीम इसमें हमारे साथ है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इंशाल्लाह इसमें कल से अगर ये वसूली बंद नहीं हुई तो हमारी तरफ से जो है धरना दिया जाएगा और ये वसूली हर कीमत पर बंद करवाई जाएगी। जैसा कि 2012 से हाईकोर्ट का आदेश है उसमें कि कोई भी शादी कुछ भी नहीं हो सकता ग्राउंड में, ऐसा क्या है उसमें रोज शादियाँ हो रही हैं? ये उनकी तानाशाही है, क्योंकि शादी के टाइम पे भाई एक चीज़ ये भी होती है, वहाँ पे हर्ष फायरिंग भी होती है, रात में आतिशबाजी भी होती है। इतनी आतिशबाजी होती है, अगर बोर्ड के पेपर चल रहे या घर में कोई इबादत कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा, इतनी खलल होती है और सारे वहाँ पे हड्डी फेंकना, हर तरह का खाना फेंकना, जिसकी वहाँ के लोगों जो आवाम रही थी सबके घर में बदबू आती है उसको लेकर उन लोग, और उसका जब हम लोगों ने ये विरोध किया तो सैम ने और वफा अब्बास ने ये बात कही है बकरीद बात देख लेंगे, अगर हम लोगों के ऊपर किसी के ऊपर कोई बात होती तो उसका सैम और वफा अब्बास उसके ज़िम्मेदार होंगे। अभी आप लोग क्या प्रशासन को एप्लीकेशन देने आए हैं? जी, हम लोग ने एक एप्लीकेशन प्रशासन को देने के लिए तैयार करी है। हम लोग अपनी बात प्रशासन को रख रहे हैं और कल अगर इस पर कोई बात नहीं होती हम लोग सुबह जो है कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन एक देंगे, उसके बाद अगर हमारी बात तब भी नहीं सुनी जाती तो हम लोग धरना देंगे कॉलेज ग्राउंड में और इस वसूली को हर कीमत पर बंद करवाएंगे और इसको मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम लोग जो है इसका जो है ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं Action 7 न्यूज़। हमारे संवाददाता नसीम अहमद की खास रिपोर्ट।